हिसार से हैं सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। सुनीता जी नमस्कार मैडम। हाँ जी नमस्कार मैम जी मैडम, मेरे 3-4 प्रश्न है मैडम जी। जी, बताएं। मेरी गुड़िया की उम्र मैडम 22 साल की है, तो ठीक है वो चलती है ना मैडम, तो इचिंग होती है उसको। इचिंग चलने से जैसे इचिंग हो जाती है उसको, 22 साल की है वो, क्या तो होती है? इचिंग हो जाती है चलने से और लाल लाल निशान सा हो जाता है अच्छा, उसको खुजली होती चलती। है, लाल लाल निशान हो जाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो और पूरे शरीर में फिर होता है कि? हाँ जी सर, इसी हो जाती है मैडम, वो ट्यूब वगैरह लगाती है वो फिर हो जाती है, मतलब 2-3 साल की उससे ये परेशानी चल रही है मैडम, उससे इचिंग हो जाती है। ठीक है मैम। और पहला पर और दूसरा प्रश्न ये है मैडम, जैसे आजकल गाजर चल रही है मैडम, क्या गाजर में भी गोल मरिंगा बालों में वही फायदा करेगा मैडम जो हम नारियल पानी में लेते हैं, और आजकल गाजर है जैसे, तो गाजर के जूस में वही फायदा करेगा जो हम नारियल पानी में फायदा करते हैं बालों के लिए, और गाजर का जूस जैसे आंखों के लिए करते हैं मैडम। हाँ जी, ये 2 सवाल हो गए मैडम मेरे। ठीक है और मैम। तीसरा प्रश्न है मैडम, मेरी गुड़िया की 22 साल की उम्र मैंने बताई है, तो जो माथे के माथा है ना मैडम, जो यहाँ से कान शुरू होता है ना, यहाँ ना उसके ना फुंसी सी हो गई है मैडम, वो ठीक नहीं हो रही है मैडम, और कॉलिंग में जूड़ा करने के लिए कहते हैं, तो बालों को ना उसके आगे रखती है ताकि वो दिखाई ना दे उसको फुंसी कान में, तो उसको काफी प्रॉब्लम है मैडम। और जो मशीन जी ने ये बताया तो चूना वगैरह क्या इससे ठीक हो जाएगा उसको, वो काफी परेशान है मैडम। अब उसकी सर्विस है मैडम, वो रिसेप्शनिस्ट में जैसे इसको जॉब लगती है, लेकिन वो नजर आती है मैडम कान के ऊपर, तो उसकी शर्म करती है मैडम। बाकी उसकी अच्छी सुंदर है मैडम, पर्सनैलिटी है सब बढ़िया है मैडम, लेकिन वो जगह वो फुंसी है ना वो दिखाई देती है, वो परेशान करती है मैडम। मेरे ठीक 3 प्रश्न है जी। धन्यवाद ठीक है मैम जी। मैम। कुछ फुंसी फुंसी जी है? कान के पास। हाँ, देखिए, अगर कोई भी फुंसी किसी सूरत ना ठीक होती हो तो फिर उसे आसानी से ज़रा सी देर में ऑपरेट भी करा सकते हैं। वो यहाँ पर इतना हल्का सा बारीक सा इंजेक्शन लगा के सुन करते हैं और निकाल देते हैं डॉक्टर। बहुत 2-4 मिनट का काम है ये, और तकलीफ़ भी नहीं होती क्योंकि सुन करने का इंजेक्शन लगवाते हैं। एक तो ये तरीका, एक ये कि उस फुंसी पर ये सोडा खाने का और चूना मिक्स करके बराबर, और उस पर रोज़ लगा दिया करें। रात में लगा लें, अगर दिन में जॉब करती है बच्ची तो वो उसको सुखा देता है। मस्सा हो किसी के, फुंसी टाइप हो, तो उसको सुखाने की ताकत रखता है। और जैसा आसानी हो बच्ची को ऐसा करा दें, और फिक्र की कोई बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अच्छी ना हो सके या उसको निकाला ना जा सके। ये तो आपकी बच्ची का सवाल। जी, और गाजर और गोंद मोरिंगा एक साथ। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है ये। और देखिए, गाजर एक ऐसा सब्जी है जो फलों की बराबर ताकत रखती है, और इसका विशेष फायदा जो होता है वो दृष्टि को, यानी आँखों को और दिमाग को। जो भी चीज़ हमारे दिमाग को फायदा करती है वो आँखों को भी ज़रूर फायदा करती है, क्योंकि ये दृष्टि जो है भगवान ने दिमाग का ही एक रूप हमारे ये आगे लगा दिया है ताकि हम देख सकें, लेकिन ये है दिमाग का हिस्सा, आँखें जो हैं। तो जो भी चीज़ दिमाग को फ़ायदा करेगी वो आँखों को ज़रूर फ़ायदा करती है, और गौंद मोरिंगा के साथ मिलकर इसके काम दोगुना हो जाता है। और ये वाकई बालों को भी फ़ायदा करती है, आँखों को भी फ़ायदा करती है, और अगर किसी को ये हासिल ना हो, मुश्किल हो, ऑफ सीज़न हो, तो इसकी जगह पर सौंफ का पानी भी 2-3 चम्मच आप सौंफ उबाल कर उसका पानी निकाल कर इस गाजर की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चे के लिए एक और सवाल था हकीम साहब, उनको खुजली होती है और लाल लाल निशान पड़ जाते हैं। देखिए, एक नुस्खा है, वो तरह तरह से इस्तेमाल होता है।
ये अलसी जो है इसको हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख लेते हैं, ज़्यादा नहीं भूनते, हल्का सा। ये हमारी स्किन की डाइट है, इसमें विटामिन ई है जो हमारी जिल्द की यानी स्किन की डाइट कहलाती है। तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप समझ लें उसके बनते कैसे। अब स्किन की डाइट, ये आपने हल्का सा भून के पाउडर बना के रख लिया, किसी को खाली ये देने से आधा आधा चम्मच दो बार फ़ायदा हो जाता है स्किन को। किसी को एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिला लें और इस पानी के साथ खाने से पूरा फ़ायदा होता है। किसी को एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच अलसी खाने से फ़ायदा होता है। ये आप लगातार जैसे चाहें नुस्खा बनाएं, इस्तेमाल करके देखें, जिस नुस्खे से आपको फ़ायदा हो जाए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।